नमस्ते बच्चों, कल हम लोग ने नीट के जो पेपर सॉल्व किए थे जिसमें हम लोग 1988 से लेकर 2020 तक के ग्रेविटेशन इस टाइटल के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं इस वक्त। इसमें 14 क्वेश्चंस कल हम लोगों ने सॉल्व किए थे और आज हम लोग उसके आगे जाते हुए 15 क्वेश्चन से हम लोग आज की शुरुआत करने जा रहे हैं। सो आइए देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 15 जो कि 1995 में आ चुका है। इस क्वेश्चन में क्या एग्जैक्टली सिचुएशन है, क्या निकालना है, लेट्स सी। टू पार्टिकल्स ऑफ इक्वल मास एम गो अराउंड अ सर्कल ऑफ रेडियस कैपिटल आर अंडर द एक्शन ऑफ देयर म्यूचुअल ग्रेविटेशन अट्रैक्शन। द स्पीड वी ऑफ ईच पार्टिकल इज। बच्चों ये क्वेश्चन 1995 में आ चुका है। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा, देखिए आपके पास में जिस तरह की कंडीशन है, टू पार्टिकल ऑफ इक्वल मास, दो पार्टिकल के मास इक्वल बताए हैं स्मॉल एम, गो अराउंड अ सर्कल ऑफ रेडियस आर। अब अगर वो दो पार्टिकल एक पर्टिकुलर रेडियस पर सर्कल के घूम रहे हैं तो दो पार्टिकल के बीच का जो डिस्टेंस हुआ जो हम लोग नॉर्मली आर लेते हैं, तो उसमें हमें क्या करना होगा कि एफ का जब हम फॉर्मूला बनाएंगे तो कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन ट्वाइस आर का स्क्वायर करना होगा जो कि नेचुरली 4 r² आ जाएगा। ठीक है, और सेंट्रीपिटल फोर्स हमें क्या समझाता है, सेंट्रीपिटल फोर्स हमें देता है एफ इक्वल टू mv² / r। तो जब हम लोग ये दो इक्वेशन सामने सामने इक्वेट करते हैं तो कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन 4 r², यहाँ पे कैपिटल आर लेना चाहिए आपने, स्मॉल एम v² अपॉन कैपिटल आर, सो दैट आर आर कैंसिल, स्मॉल एम कैंसिल, फाइनली v² कितना आएगा, v² आपका आएगा कैपिटल जी एम अपॉन 4 r। ओके, और जब आप इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है तो सामने स्क्वायर रूट निकाल दिया, तो v इक्वल टू 1/2 अंडर रूट जी एम अपॉन कैपिटल आर, यानी आपका जो ऑप्शन नंबर ए है वही आपका सही जवाब आएगा। ठीक है बेटा, यहाँ पर ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। लेट्स मूव टूवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन। द अर्थ जिसका मास आपको दिया है रिवॉल्व अराउंड द सन विद एंगुलर वेलोसिटी आपको दी थी है, इन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस दे रखा है। 1995 का एक और सवाल आपके स्क्रीन पर इस वक्त, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है जैसे कि मास है 6 × 10⁻²⁴ kg, उसके बाद में बताया है कि रिवॉल्विंग अराउंड द सन विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा दे रखा है 2 × 10⁻²⁷ रेडियन पर सेकेंड, उसके बाद इन सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस दे रखी है 1.5 × 10⁸ किलोमीटर, है ना, सारी चीज़ें हो गई क्लियर। द फोर्स एग्जर्ट बाय द सन ऑन द अर्थ इज, अब उस फोर्स की वैल्यू सबसे पहले क्या होगी, अब आपको पता होना चाहिए कि सेंट्रीपिटल फोर्स का एक फॉर्मूला होता है एफ इक्वल टू mr²। जस्ट पुट आउट ऑल द वैल्यू, 6 × 10⁻²⁴ एम की वैल्यू है, आर आपके पास में 1.5 × 10⁸ आएगा, ओमेगा स्क्वायर 2 × 10⁻²⁷ का होल स्क्वायर। ठीक है, जब हम लोग ये पूरा सॉल्व कर लेंगे 2 का स्क्वायर 4, 4 × 1.5 6, 6 = 36 × 10⁻²⁴ − 7 × −14 − 14 + 24 − 10 − 14 + 24 is + 10 10 + 8 18, सो 36। क्वेश्चन नंबर 16, −7 आपको रेडियन में वैल्यू है, kg में मास दे रखा है, हाँ जी गड़बड़ हो गई, यहाँ पे किलोमीटर में वैल्यू है राइट, तो मीटर में करते वक्त में आपको पता है कि 10⁻³ और ऐड करना पड़ेगा, यानी टोटल मिला के 21 आ जाएगा, 10⁻², तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर आता है क्वेश्चन नंबर 16 का। चलिए अगले सवाल की तरफ, पिछला जो सवाल था वो आप दे सकते हैं कि 1995 में आया हुआ क्वेश्चन है, अब 1994 और 1989 में आया हुआ सवाल है, और सवाल कहता है इफ द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स वेयर प्रोपोर्शनल टू 1/r नॉट 1/r², जैसे कि आपको जानते हैं कि ये फॉर्मूला होता है आर स्क्वेयर होता है, लेकिन ये कह रहा है कि 1/r लेना है, 1/r² नहीं लेना है, तो ठीक है आगे देखते हैं। वेयर आर इज द डिस्टेंस बिटवीन देम, देन पार्टिकल इन अ सर्कुलर पाथ अंडर सच अ फोर्स वुड हैव इट्स ऑर्बिटल स्पीड वी। अब ये ऑर्बिटल स्पीड वी कितना आएगा ये आपको पूछा गया है, तो कुछ नहीं आप क्या करेंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स को इस इक्वेशन के साथ में इक्वेट कर देंगे, एफ इक्वल टू लाइक ठीक है एफ इक्वल टू mv² / r, आपको आइडिया है क्या होता है सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला है, दोनों इक्वेशंस को आप लोग क्या कर दिए आमने सामने इक्वेट कर दीजिए, तो कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन कैपिटल आर
इक्वल टू स्मॉल एम वी स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर। बच्चों कैपिटल आर कटा, स्मॉल एम कैंसिल, वेलोसिटी का इक्वेशन क्या आया, अंडर रूट जी एम। तो इससे हमें ये पता चलता है कि आर के ऊपर वेलोसिटी डिपेंड करती नहीं है, इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ आर, यानी आर रेस्ट टू पावर जीरो इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इफ द मास ऑफ द सन वेयर 10 टाइम्स स्मॉलर देन द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट, ओके, इफ द मास ऑफ द सन वेयर 10 टाइम्स स्मॉलर एंड द यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कॉन्स्टेंट वेयर 10 टाइम्स लार्जर, ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। देखिए अगर मास सन का कम भी होता है ज़्यादा भी होता है इससे हमें कोई मतलब नहीं, सीधी सीधी बात है, यहाँ पे स्मॉल जी जब हम लोग निकालते हैं तो फॉर्मूला होता है कैपिटल जी एम अपॉन आर स्क्वायर, है ना। तो कैपिटल जी आपको क्या दे रखा है, 10 टाइम्स, 10 गुना ज़्यादा, यानी सीधी सीधी बात है कि जी डैश की वैल्यू आ जाएगी 10 जी। तो अगर आप लोग यहाँ पे 10 जी पुट कर देते हो तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है आपका, चेंज इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये 10 टाइम्स ऑफ स्मॉल जी आ जाएगा, यानी जी इंटू 10। सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। बच्चों ये ऐसे क्वेश्चन ना बहुत ज़्यादा वक्त पे कन्फ्यूजन निर्माण कर देते हैं, इन क्वेश्चन को ज़रा शांति से और पूरा पढ़ के अच्छे से सॉल्व करना हमेशा, ठीक है, नहीं तो होगा क्या ना, इजी क्वेश्चन है लेकिन छोटी सी मिस्टेक भी हमें भारी पड़ जाएगी, ओके। तो स्टूडेंट्स नीट 2018 में पूछा गया ये सवाल है, और इस सवाल का जवाब हम लोग जब निकालेंगे तो हमें ये सोचना होगा कि रेन ड्रॉप विल फास्टर, जो कि इसमें बताया गया है, क्या ये सच है, हाँ ये सच है, ये गलत नहीं है, क्योंकि अगर आपका एक्सेलरेशन 10 गुना बढ़ गया है तो रेन ड्रॉप फिर डेफिनेटली क्या होंगे कि विल फॉल फास्टर, ये बात सही है। उसके बाद वॉकिंग ऑन द ग्राउंड वुड बिकम मोर डिफिकल्ट, ग्राउंड पे चलना भी बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, आसान नहीं रहेगा, ये बात भी सही है। टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज डिक्रीजेस, सिंपल सी बात है, टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी, आपको फॉर्मूला पता है, तो यहाँ से पता चलता है कि अगर स्मॉल जी बढ़ जाता है तो टाइम पीरियड डिक्रीज हो जाएगा, ये बात भी सही है। जी ऑन द अर्थ विल नॉट चेंज, ये बात होगी गलत, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, ऐसा पूछा था, तो ये जो गलत हुआ जी ऑन द अर्थ विल नॉट करेक्ट विल नॉट चेंज, दैट इज ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 18। लेट्स मूव टूवर्ड द नेक्स्ट। अ स्पेरिकल प्लैनेट हैज अ मास एम सफिक्स बी, डायमीटर डी सफिक्स बी, अ पार्टिकल ऑफ मास स्मॉल एम फॉलिंग फ्रीली नियर द सर्फेस ऑफ द प्लैनेट विल एक्सपीरियंस एन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विच इज इक्वल टू। सो गाइज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का बेसिक फॉर्मूला आपको पता है, कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन आर स्क्वायर। अब आपको डायमीटर के फॉर्म में आंसर दिख रहे हैं, आपको जानते हैं कि डायमीटर बिकम्स ट्वाइस रेडियस, तो रेडियस बिकम डी बाई टू, इस हिसाब से कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन डी बाई टू का स्क्वायर, यानी डी स्क्वायर अपॉन वाला 4 ऊपर गया, इन शॉर्ट 4gm अपॉन डी स्क्वायर, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 विच वॉज आस्क्ड इन 2012। उस वक्त AIPMT नाम की एग्जाम होती थी, नीट नहीं था तब, और ये भी 2005 में जो लिख रहा है ये AIPMT की परीक्षा में आया हुआ सवाल है आपके सामने। इमेजिन अ न्यू प्लैनेट, एक नया प्लैनेट इमेजिन करिए, हैविंग द सेम डेंसिटी एज दैट ऑफ द अर्थ, किसी प्लैनेट का डेंसिटी और अर्थ का डेंसिटी जो है वो बताया जा रहा है कि सेम है। इट इज़ 3 टाइम्स बिगर देन द अर्थ इन साइज, तो जो प्लैनेट है उसका जो रेडियस है वो 3 गुना ज़्यादा है रेडियस ऑफ अर्थ के तुलना में, और कहते हैं इफ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सर्फेस ऑफ अर्थ इज जी एंड दैट ऑफ द सर्फेस ऑफ द न्यू प्लैनेट इज जी डैश देन, यानी दोनों भी इक्वल है, इफ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ओके, नहीं इक्वल नहीं दिया है, वो आपको बताया गया है कि जी मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है सर्फेस ऑफ अर्थ के लिए, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द प्लैनेट मान लीजिए इसने जी डैश दे रखा है। तो देखिए कि डेंसिटी और रेडियस के फॉर्म में रिलेशन आएगा कैसे, सबसे पहले तो स्मॉल जी इज इक्वल टू 4/3 पाई आर रो जी, ये आपको पता होगा कि फॉर्मूला होता है, राइट, थोड़ा मैं अच्छे से लिखता हूँ, 4/3 पाई आर रो जी, बेटा ये फॉर्मूला होता है स्मॉल जी का, देखिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोला जाता है जिसको, राइट है। अब क्या होगा, अब हम लोग ऐसा कुछ सोचेंगे कि अगर जी डैश निकालना है तो जी डैश अपॉन जी इज इक्वल टू 4/3 पाई कैपिटल जी, ये लिखा नहीं तो भी चलेगा क्योंकि ये कैंसिल होने वाला है, ये समझ में आता है ना कि स्मॉल जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस एंड डेंसिटी ऑफ अ प्लैनेट, तो आर ऑफ प्लैनेट एंड डेंसिटी ऑफ प्लैनेट अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ अपॉन डेंसिटी ऑफ अर्थ, ठीक है, ये अर्थ की बात हो रही है,
रेडियस ऑफ प्लैनेट इज 3 टाइम्स रेडियस ऑफ अर्थ अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ, ये हो गया कैंसिल। डेंसिटी ऑफ प्लैनेट एंड डेंसिटी ऑफ अर्थ इज फाउंड टू बी सेम, ये हो गया कैंसिल। अपॉन वाला जी ई इस 3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो फाइनली जी डैश कितना बनेगा बेटा आपका, 3 जी के बराबर बन जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होता है क्वेश्चन नंबर 20 के लिए। आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 21, द डेंसिटी ऑफ न्यू डिस्कवर्ड प्लैनेट इज ट्वाइस दैट ऑफ द अर्थ। ऐसा दिया है, द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सर्फेस ऑफ द प्लैनेट इज इक्वल टू दैट ऑफ द सर्फेस ऑफ द अर्थ। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ द सर्फेस ऑफ द प्लैनेट इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द अर्थ सर्फेस। ठीक है, इफ द रेडियस ऑफ द अर्थ इज आर, वॉट विल द रेडियस ऑफ द प्लैनेट। फिर वही लॉजिक है, स्मॉल जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी। तो इफ द रेडियस ऑफ द अर्थ इज कैपिटल आर, द रेडियस ऑफ द प्लैनेट इज, बस हम लोग क्या करेंगे, रेडियस ऑफ प्लैनेट की इक्वेशन बना लेंगे। रेडियस ऑफ प्लैनेट आएगा स्मॉल जी ऑफ प्लैनेट अपॉन डेंसिटी ऑफ प्लैनेट अपॉन, अगर हम लोग अर्थ की बात कर लें, रेडियस ऑफ अर्थ, इसी फॉर्मूले को घुमा देना, डेंसिटी ऑफ अर्थ अपॉन डेंसिटी ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ। अब जैसा कि यहाँ पे शो किया गया है, जी पी अपॉन जी ये इक्वल है, तो ये कैंसिल हो गया, ये नहीं लिखा तो भी चलेगा। एक्सेलरेशन ऑफ प्लैनेट इज 2, दैट इज जी रो ई अपॉन ट्वाइस रो ई, यानी ये भी कैंसिल हो गया। तो आर पी इज इक्वल टू आर ई बाय 2, यानी 21 नंबर सवाल का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी आता है, 1/2 आर ई। ठीक है, ये थोड़ा अच्छे से मैं आपको लिख के बता देता हूँ, चलते आगे। सवाल नंबर 22 है, द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द प्लैनेट ए इज 9 टाइम्स द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द प्लैनेट बी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ प्लैनेट ए इज 9 टाइम्स एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ प्लैनेट बी, ऐसा आपको दे रखा है। अ मैन जंप टू अ हाइट ऑफ 2 मीटर, एक इंसान है जो 2 मीटर हाइट तक जंप करता है ऑन द सर्फेस ऑफ ई, वॉट इज द हाइट ऑफ द जंप ऑन द सेम पर्सन ऑन द प्लैनेट बी एट सफिक्स बी, सवाल है बेटा। इसका ना एक फॉर्मूला होता है, शॉर्टकट है, इस्तेमाल करके देख लेते हैं, इफ पॉसिबल आंसर निकल जाएगा। √2gh, तो ए ए √2g, बी एंड एच सफिक्स बी, √2 √2 कैंसिल, सीधी बात है, जी ए बिकम्स, एक काम करते हैं, जी ए इंटू एच ए इज इक्वल टू जी बी इंटू एच बी। ठीक है बेटा, हमको निकालना है हाइट ऑन बी, तो एच बी कितना आएगा, एक्सेलरेशन ऑन ए मल्टीप्लाई हाइट ऑन ए अपॉन में एक्सेलरेशन ऑन बी। बेटा हाइट ऑन बी निकालना है, हाइट ऑन ए कितना है, 2 है, एक्सेलरेशन ऑफ ए कितना है, 9 लिखा हुआ है, 9 × 2 कुल मिला के हो जाएगा 18, तो 18 मीटर आपका आंसर आ जाएगा डायरेक्ट डायरेक्ट कैलकुलेशन। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, हाइट जो प्लैनेट की, सॉरी जिस प्लैनेट पे वो जंप करने वाला है, तो उस प्लैनेट पे जो हाइट बनेगा वो बनेगा आपका 18 मीटर। ठीक है, ये आपका आखिरी जवाब आएगा इस क्वेश्चन का, चलते आगे। वट विल बी द फॉर्मूला ऑफ मास ऑफ द अर्थ इन टर्म ऑफ जी एफ एंड कैपिटल जी। देखो बेटा बड़ा आसान सा सवाल आया 1996 में, कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन आर स्क्वायर आपको फॉर्मूला पता है, यहीं से घुमा दीजिए, कैपिटल एम का फॉर्मूला बनेगा जी आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल जी, राइट। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, 1996 का क्वेश्चन था। लेट्स मूव टूवर्ड क्वेश्चन नंबर 24। सवाल नंबर 24 कहता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल जी एंड मीन डेंसिटी ऑफ द अर्थ इज रो आर रिलेटेड बाय ईच विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन। ओके, स्मॉल जी का ये फॉर्मूला याद रखना, 4/3 पाई आर रो जी। अब अगर डेंसिटी निकालना चाहते हो तो बड़ी आसानी से, डेंसिटी रो इज इक्वल टू ये 3 × g हो जाएगा,
अपॉन 4 पाई आर, और रो 4 पाई आर, सॉरी रो की ज़रूरत नहीं है, हम लोग को रो ही तो निकालना है, कैपिटल जी, थ्री जी अपॉन 4 पाई आर जी। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है, 25 नंबर का सवाल देखते हैं। द रेडियस ऑफ अर्थ इज अबाउट 6400 किलोमीटर एंड दैट इज दैट ऑफ मास इज 3200 किलोमीटर। तो रेडियस ऑफ अर्थ जो है ये 2 गुना ज़्यादा हो गया रेडियस ऑफ मास की तुलना में, ये समझ में आता है यहाँ से, क्लियर है ना। द मास ऑफ द अर्थ इज अबाउट 10 टाइम्स, अर्थ का मास 10 गुना बड़ा है मास ऑफ द मास प्लैनेट। एन ऑब्जेक्ट वेट्स 200 न्यूटन, एक ऑब्जेक्ट जिसका वेट कितना है बेटा 200 न्यूटन है ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। इस ऑब्जेक्ट का वेट अर्थ पे कितना है 200 न्यूटन है, ठीक है। इट्स वेट ऑन द सरफेस ऑफ द मास विल बी, क्या होगा वेट ऑन द सरफेस ऑफ द मास विल बी, वी डोंट नो। देन हाउ विल यू सॉल्व दिस क्वेश्चन। नॉर्मली होता ये है, वेट ऑन द मास इक्वल टू स्मॉल जी एंड स्मॉल एम, मास ऑफ द बॉडी। तो स्मॉल जी को हम लोग कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन आर स्क्वायर लिखते हैं, राइट है, कैपिटल जी एम अपॉन आर स्क्वायर। यार ये तो फिर वही फॉर्मूला बन गया। ओके सो कुछ ऐसा सोचना पड़ेगा कि वेट ऑफ प्लान मास, वेट ऑफ द बॉडी ऑन द मास एंड अपॉन वेट ऑफ द बॉडी और पर्सन वॉट एवर जो भी है ऑन अर्थ इज इक्वल टू, इसमें हम लोग क्या करेंगे कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर स्क्वायर लिख के रख देते हैं पहले। तो रेडियस ऑफ अर्थ है, रेडियस ऑफ मास है, ओके और रही बात मास ऑफ द प्लैनेट, यहाँ पे स्मॉल एम दिखाना चाहिए, यहाँ पे ई दिखाना चाहिए। तो कैपिटल जी स्मॉल एम को कर दीजिए कट, और फिर वेट ऑन मास इज इक्वल टू वेट ऑन अर्थ, है ना, वेट ऑन अर्थ मल्टीप्लाई वेट ऑन मास इज इक्वल टू वेट ऑन अर्थ मल्टीप्लाई मास ऑफ मास अपॉन मास ऑफ अर्थ मल्टीप्लाई रेडियस ऑफ अर्थ अपॉन रेडियस ऑफ मास का बेटा होल स्क्वायर, है ना। अब बस फिर वैल्यू डालिए और आंसर निकालिए। वेट ऑन अर्थ दिया है 200, मास ऑफ मास अपॉन मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ अर्थ दिया है 10, तो ये 1/10 हो जाएगा, इनटू रेडियस ऑफ अर्थ दिया है 2, 2 का स्क्वायर करना पड़ेगा आपको, तो ये हो गया कैंसल, 2 का स्क्वायर हो गया 4, 4 टू ज़ा 8, 80 न्यूटन आंसर आएगा। यानी 80 न्यूटन का मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका सटीक आंसर आता है, करेक्ट आंसर आता है क्वेश्चन नंबर 25 का, जो कि 1994 में पूछा जा चुका है। बच्चों मैं इस वक्त स्क्रीन्स को जो डिस्प्लेस करता हूँ वो इसी एक ही स्लाइड पर लिखने के तरीके की एक मेरी कोशिश होती है, क्योंकि अगर मैं अगले स्लाइड पर जाता हूँ तो फिर पिछले स्लाइड का क्वेश्चन दिखाई नहीं देता, कभी कभी ऐसा होता है। वेल अगले क्वेश्चन की तरफ, ये क्वेश्चन 2 बार रिपीट हुआ है, 2000 में AIPMT के अंदर और नीट 2020 के अंदर। 26 नंबर का सवाल है बेटा। अ बॉडी वेट 72 न्यूटन, बॉडी का वेट 72 न्यूटन है, ठीक है, ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ व्हाट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन इट एट अ हाइट इक्वल टू हाफ द रेडियस। हाइट है r/2। तो बेटा ये फॉर्मूला आपको पता है कि एफ कैपिटल जी कैपिटल एम सॉरी एफ का फॉर्मूला आपको आइडिया है, उस फॉर्मूले का यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे हम लोग। एफ इजिकल टू कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपन आर स्क्वायर, है ना, इसकी वैल्यू दे रखी है आपको फोर्स की 72 न्यूटन। चलो ठीक है, फिर एफ डैश निकालना है आपको, तो कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर प्लस आर बाय टू का होल स्क्वायर करना है, ठीक है। फिर अब हम लोग इसको स्क्वायर कर भी देते हैं, कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन, बेटा देखो 2 1 2 2 प्लस 1 3/2 आर स्क्वायर, 3/2 आर का स्क्वायर करने जाएंगे तो 9 आर स्क्वायर अपॉन 4 बनेगा, तो इसे लिखना होगा 4
अपॉन 9 कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर स्क्वायर। बच्चे ये जो वैल्यू है ये वैल्यू से मैच हो गया। इसमें हम लोग क्या करेंगे, 4/9 मल्टीपल ऑफ 72 करेंगे। 9 1 9 8 एंड 8 4 सीधा सीधा 32 न्यूटन आपका आखिरी और परफेक्ट फाइनली जवाब आता है। तो ये हुआ वर्क डन, है ना, 32 न्यूटन। बहुत बेहतर, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन नीट 2020। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। अ बॉडी वेट्स 200 न्यूटन, एक बॉडी का वेट है जो कि मैं इस वक्त लिख रहा हूँ 200 न्यूटन, ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ। ये क्वेश्चन नीट 2019 यानी लास्ट ईयर आके गया है बेटा, लास्ट ईयर नहीं 2 साल पहले, 2021 चल रहा है ना अभी। हाउ मच विल इट्स वेट हाफ वे डाउन द सेंटर ऑफ द अर्थ, सॉरी वेट ऑफ द बॉडी 200 न्यूटन ऑन द सर्फेस, ठीक है। हाउ मच विल इट्स वेट, ओके वेट एट डेप्थ निकालना है आपको। और बोला गया है जो डेप्थ है वो है हाफ वे डाउन द अर्थ सर्फेस, यानी R/2 ले लीजिए। तो बच्चों वेट का फॉर्मूला बनाते हैं आप लोग तो एम जी का यूज होता है, राइट, एम इंटू स्मॉल जी। अब सोचना आपको ये है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ डेप्थ क्या होते हैं, जी डी इक्वल टू जीन ब्रैकेट 1 - d/r, है ना। तो जीन ब्रैकेट 1 - d/r की बात हो रही है, चलिए समझते हैं d/r मतलब क्या। d/r यानी R/2 इंटू आर, आर आर कैंसिल, 2 1 2 2 - 1 1/2 यानी g/2 आया बेटा। ये किस चीज़ का वैल्यू भाई, जी डैश का वैल्यू आया g/2। चलो ठीक है, अब सोच जी डैश का वैल्यू तेरे पास में, जी डैश का वैल्यू है g/2, तो दोनों साइड से m को मल्टीप्लाई करते हैं, यानी क्या हो जाएगा एम जी डैश इज इक्वल टू एम जी बाई टू आएगा, है ना। एम जी का वेट आपको दे रखा है वो है 200, डिवाइड बाई 2 करते बेटा हो गया आंसर तैयार 100 न्यूटन, 100 न्यूटन राइट आंसर है। नीट 2019 का सवाल है, पिछले साल 2 साल पहले के एग्जाम में आ चुका है, 27 नंबर का सवाल। 28 नंबर का क्वेश्चन, द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट 1 किलोमीटर अबोव द अर्थ इज द सेम एज एट अ डेप्थ डी बिलो द अर्थ सर्फेस, यानी एक्सेलरेशन एट अ डेप्थ और एक्सेलरेशन एट अ हाइट ये इक्वल दे रखा है, देन तो डेप्थ की वैल्यू कितनी आएगी। बड़ा आसान है, जी 1 - d/r और जी एस लिख लीजिए, जिस 1 - 2h स्मॉल जी इन द ब्रैकेट 1 - 2h अपॉन कैपिटल आर, तो स्मॉल जी कैंसिल हुआ, ये 1 भी कैंसिल होता है, ये माइनस माइनस भी कैंसिल हुआ, यानी आर आर भी कैंसिल होता है, तो डी इज इक्वल टू द 2h आता है। और एच आपको दे रखा है क्योंकि 1 किलोमीटर, तो 2 × 1 बड़े आसान है यार। सिर्फ कुछ नहीं, माइंडसेट होता है कि नीट हार्ड है नीट हार्ड है, कुछ नहीं रहता। आपने बोर्ड अच्छे से किया है, थोड़ा सा एंट्रेंस का स्टडी कर लो, स्टडी मटेरियल लेके आओ, और घर पे बैठ के भी पढ़ाई हो सकती है, और ऑनलाइन पे हमारे जैसे बहुत सारे एजुकेटर्स इस वक्त आपके लिए आपको आप लोगों के लिए फ्री में क्लासेस दे रहे हैं, तो ये फ्री क्लास है, इसका पूरा यूटिलाइज करिए बच्चों। नीट अगस्त के 1 तारीख को 100% नहीं होगी, ये होगी पोस्टपोन्ड एग्जाम, 100% है। अब जब भी होगी तब तक मेरा पूरा कोशिश रहेगा कि मैं सारे के सारे चैप्टर्स यूट्यूब पे आपके लिए डाल दूँ, और यदि आपको ये क्विज सॉल्व करनी है खुद से, खुद को चेक करना है, जज करना चाहते हो कि मेरे को कितना आता है कितना नहीं आता है, तो बेटा मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग क्या करिए, आप लोग अन अकेडमी पे फॉलो करके रखिए, क्योंकि अन अकेडमी के ऊपर हम लोग रेगुलर इसके क्विज के क्लासेस लेते हैं, एक तरह की आपकी टेस्ट होती है, तो बहुत सारे बच्चे इसका फ़ायदा लेते हैं, बेनिफिट लेते हैं, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई इसकी कॉस्ट नहीं होती कि लाइक इसकी कोई फ़ी नहीं भरनी है आपको। तो जितना भी आप लोग चाहते हैं कि मैं इस चीज़ को, सर आप मुझे समझाते रहो, मेरे को आता ही है, मेरे को मॉक टेस्ट देनी है, तो लाइक अब ये 2-3 क्वेश्चन मैं कंप्लीट करके रख दूंगा। टोटल 1988 से लेकर 2020 तक मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम्स में सारे मेडिकल मिला के 63 क्वेश्चन आए हैं ग्रेविटेशन टाइटल के, उसमें से मैं 29 पे हूँ। मैं कोशिश तो करूँगा कि मैं सारे के सारे अपलोड करूँ, लेकिन क्या होता है ना कि हर लेक्चर का जो सेशन है वो बहुत लंबा हो जाता है, फिर तो लेक्चर के सेशन लंबे हो जाते हैं, जिसके कारण मुझे उसे ब्रेक कर करके आप लोगों के लिए अपलोड करना पड़ता है। वेल ठीक है, अगले सवाल की तरफ चलते हैं।
29 नंबर का क्वेश्चन है, स्टार्टिंग फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ हैविंग रेडियस कैपिटल आर द वेरिएशन ऑफ स्मॉल जी दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज शोन बाय। आपको बताना है कि अर्थ के सेंटर से जैसे जैसे आप सर्फेस पे आएंगे फिर सर्फेस से ऊपर जाएंगे फॉर एग्जाम्पल, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में किस तरह का बिहेवियर देखा जाएगा, यानी नीचे दिए गए चार ग्राफ में से कौन सा ग्राफ परफेक्ट बैठता है। ये क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं कि नीट फेज सेकेंड 2016 का सवाल है बेटा, फेज सेकेंड 2016 यानी नीट के 2016 में दो पेपर हुए थे। चलिए क्वेश्चन का मतलब समझते हैं, मैं थोड़ा ये बाजू वाली साइड का इस्तेमाल करना चाहूँगा। स्मॉल जी का एक फॉर्मूला आपको पता है, 4/3 पाई स्मॉल आर रो जी। इस फॉर्मूले में स्मॉल आर जो है वो ये ग्रेटर देन सॉरी स्मॉलर देन इक्वल टू कैपिटल आर के बराबरी में हो सकता है। और स्मॉल जी का एक फॉर्मूला और भी है, 4/3 पाई रो कैपिटल जी एंड आर क्यूब, सारा खेल रेडियस के ऊपर है और कुछ भी नहीं, अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर। तो यहाँ पे हमें पता चलता है कि स्मॉल आर जो है ये ग्रेटर देन कैपिटल आर है, यानी इन शॉर्ट हम लोग एट अ हाइट की बात कर रहे हैं यार, अब हम लोग जब ग्राउंड से हाइट की तरफ जाते हैं ना तो उसकी बात हो रही है। तो मैंने इसको स्मॉल आर इसलिए लिखा क्योंकि वो बेसिकली आर प्लस एच लिखना चाहिए था। तो आप या तो इसे ऐसा समझ लीजिए कि ऊपर हम लोग यहाँ पे स्मॉल आर कर देते हैं तो भी चलेगा, कोई इशू नहीं। सर इज इट एडजस्टमेंट? हाँ बेटा, ये फॉर्मूला ऊपर वाला ही है, बस ऊपर ना नीचे आर स्क्वायर से हमने डिवाइड मल्टीप्लाई कर दिया। तो हमें ये पता चलता है कि जो पहली वाली परिस्थिति है जिसके अंदर हम लोग देख पा रहे हैं कि स्मॉल जी और कैपिटल आर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी के अंदर हमारी जो कंडीशंस है हमारी टर्म्स है वो फॉलो हो रही है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को लेकर स्मॉल जी और आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हमें दिखाई देते हैं यहाँ से यहाँ तक। फिर स्मॉल जी और आर स्क्वायर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इसीलिए ये कर्व निर्माण हुआ क्योंकि आर स्क्वायर है ना, इसीलिए अगर सिर्फ आर होता तो स्ट्रेट लाइन नीचे आ जाती कुछ इस तरह से, लेकिन ये आंसर नहीं है, आंसर हमारा बी ऑप्शन करेक्ट आंसर आता है। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल पे। सवाल नंबर 30 है आपके स्क्रीन के ऊपर, इस पर देख रहे हैं आप लोग, द हाइट एट विच द वेट ऑफ द बॉडी बिकम्स 1/16, ऐसी हाइट जहाँ पे वेट ऑफ द बॉडी इज 1/16 यानी W/16, इट्स वेट ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ इज द हाइट एट विच द वेट ऑफ द बॉडी बिकम 1/16, ओके, इट्स वेट ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ। क्वेश्चन नंबर 30, क्या कर सकते हैं हम लोग, एक फॉर्मूला लिख रहा हूँ, जी डैश इज इक्वल टू जी अपॉन 1+H/R का होल स्क्वायर। ठीक है, अगर मैं इसे दोनों साइड से m से मल्टीप्लाई कर दूँ, हाँ काम बनेगा, बनेगा बिल्कुल बनेगा। तो वेट हमको दे रखा है 1/16 वेट, ओके एक मिनट, इसे ऐसा नहीं, इसे ऐसा समझते हैं कि हम लोगों को 1/16 दे रखा है वेट एट अ हाइट, W डैश रिप्रेजेंट किया W/16, ओके तो फिर ठीक है, तो हम लोग इसे भी यहाँ पर ऐसा ही रिप्रेजेंट करते हैं, ये W डैश इज इक्वल टू W अपॉन में 1+H/R का होल स्क्वायर। तो बेटा बेटा जी W-upon W इज इक्वल टू 1/1+H/R का होल स्क्वायर। भाई W डैश की वैल्यू है W/16 यानी 1/16 आ जाएगा, इज इक्वल टू 1/1+H/R का होल स्क्वायर। स्क्वायर रूट ले लेते हैं तो 1+H/R की कीमत आएगी स्क्वायर रूट निकालने की वजह से 16 का 4, है ना, तो H/R की कीमत आई 4-1 ले लिया 3, तो H की वैल्यू आ गई 3R। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। वक्त हो चुका है हमारा निकलने का, और मैं आपको फिर से बता दूं कि ये 2012 का ये क्वेश्चन है, इसके बाद ये क्वेश्चंस आप देख सकते हैं, जो जेई मेंस 2010 का सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, नीट 2019 का सवाल है, साथ ही साथ नीट फेज फर्स्ट 2016 का क्वेश्चन आपको दिख रहा है, देन नीट 2013 का क्वेश्चन आपको दिख रहा है। तो बेटा इस तरह के हम लोग लगभग सारे के सारे क्वेश्चन जो एग्ज़ाम्स में आ चुके हैं
वो इस सीजन में कवर कर रहे हैं। तो कृपा करके चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और आपके जो भी सुझाव है कमेंट सेक्शन में डाल के रखिए। और अगर कोई डाउट रहे किसी भी सीजन में, किसी भी लेक्चर के अंदर कोई डाउट है किसी क्वेश्चन का, तो वो नंबर वहाँ पे डाल के रखिए। एक स्पेशल डाउट सेशन यूट्यूब लाइव पर मैं आपके लिए अरेंज कर दूंगा। आप अपने मन से कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं रिगार्डिंग टू नीट फिजिक्स, कोई भी सवाल आप लोग मुझे दे सकते हैं। मेरा कोशिश यही होगा उसे कितना सिंपल तरीके से आसान बना के मैं आपको उसका आंसर दे सकता हूँ, तो डेफिनेटली दूंगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वंस अगेन। इसके अगले आगे का जो सेशन है अगर किसी को करना है तो कल शाम को 7:10 पे आप लोग ये क्विज के तौर पे सॉल्व कर सकते हैं, जस्ट लाइक अ टेस्ट। हाँ, वहाँ पर भी हर क्वेश्चन का आंसर दिया जाएगा। और सिर्फ ऐसा है कि फ़र्क इतना है कि यूट्यूब पे मैं डायरेक्टली टीच कर दे रहा हूँ, अनअकेडमी पे आप लोग क्या करेंगे कि आप पहले सॉल्व करेंगे, लाइक पोल देंगे आप लोग। आप लोग का राइट आंसर आया तो बहुत अच्छी बात है, इट क्रिएट्स अ कॉन्फिडेंस। और अगर नहीं आया तो कोई बात नहीं, क्यों नहीं आया उसको भी बताया जाएगा। ठीक है, अब यहीं पर रुकते हैं और कल फिर मुलाकात होगी। थैंक यू, बाय बाय।